हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमें जो है 40 कमेंट और 1K लाइक करवाने होते हैं। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ मेड यहाँ पर माओ माओ को कह रही होती हैं कि ऐसा फूड जो है लेडी लिहाओ नहीं खाती हैं, उन्हें तो लग्जरी खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। तुम पता नहीं ये कहाँ से उठाकर लेकर आई हो, लिहाओ ये सब नहीं खाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मामाओ जो है ये खाना लेकर यहाँ पर लिहाओ के पास क्यों आई है। ये हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर मामाओ यहाँ पर खाना चेक करके वो चेक करती है कि उसके अंदर पॉइजन है या नहीं है। फिर वो बताती है कि कोई पॉइजन नहीं है। जब वो जाने लग जाती है तो यहाँ के जो मजेस्टी होते हैं वो कहते हैं रुको। मामाओ सोचने लग जाती है कि पता नहीं पहली बार मुझे किंग ने यहाँ पर क्यों रोका हुआ है, क्या उन्हें कोई काम है। यहाँ पर वो कहते हैं किंग कि मुझे जो है तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना है, मुझे चाहता हूँ कि लिहाओ के पास जाकर तुम देखो उसकी हालत को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं चाहता हूँ कि उसे भी तुम अटेंड करो। मामाओ जो है इसीलिए इनके पास ये खाना लेकर आती है, बट इनकी जो नौकरानियाँ होती हैं वो इस खाने को लेती नहीं है, मना करके उन्हें जो है यहाँ से बाहर भगा देती है मामाओ को। फिर हम देखते हैं मामाओ जो होती है वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, बट वो बीच में खाना खाने के लिए आ जाती है अपने दोस्त के पास। वो कहती है कि वो पाउडर तो मैंने पूरी जगह पर बैन कर दिया था, तो ये पता नहीं लिहाओ बीमार कैसे हो गई। यहाँ पर मामा कहती है कि हाँ मैंने ही बंद करवाया था वो पाउडर को। फिर यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि डायरेक्ट तुम्हें किंग ने ऑर्डर दिया है और रिक्वेस्ट करी है तुमसे। मामा सोचने लग जाती है कि हाँ, क्योंकि उनको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, शायद उन्हें जो है मुझ पर भरोसा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ मामा जो होती है वो कहती है कि चलो मैं दोबारा से खाना बनाने के लिए आ जाती हूँ, और वो दोबारा रसोई के अंदर खाना बना के आ जाती है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे जो है उन्हें एक अच्छा खाना देना पड़ेगा, ये जो है उनके लिए अच्छा होगा। जब वो दोबारा जाती है तो वहाँ की मेड जो कहती हैं कि तुम्हें समझाया था ना हमने कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर से वो उसे भगा देती हैं। हम देखते हैं मामा जो है दोबारा से रसोई घर में आती है और दोबारा से खाना बनाने लग जाती है, और फिर से वो जाने की तैयारी में है, क्योंकि जो मामा है वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो दोबारा से खाना बनाकर लेके जाती है। यहाँ पर जो मेड होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें जो है समझ में नहीं आ रहा है, ये खाना बहुत बेकार है, हमारी जो लिहाऊ है उन्हें जो है बहुत न्यूट्रिशन फूड अच्छा लगता है। यहाँ पर मामा सोचती है कि किसी भी कमज़ोर व्यक्ति के लिए वहाँ पर उसके लिए ये खाना पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे ये खाना नहीं देना चाहिए। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मेड होती हैं वो यहाँ पर उसे खाना खिलाने लग जाती हैं लिहाऊ को। लिहाऊ थोड़ा सा खाती है फिर वो सही से खा नहीं पाती, तो सभी मेड कहती हैं कि माओ माओ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो गया है, तो जल्दी से यहाँ से निकलो, और फिर से वो उसे यहाँ से भगा देते हैं। अब ये जो जिंसी होता है वो सब चूत देख लेता है कि बार बार उसे भगाया जा रहा है रूम से। मामा जो होती है वो दोबारा से अंदर जाती है, बट यहाँ पर फिर से उसे मेड जो है यहाँ रोक लेती हैं। मामा सोचती है कि अगर ये खाना नहीं खाएंगी तो ये जल्द ही मर जाएंगी, क्योंकि इन्हें खाना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंसी होता है वो आ जाता है, वो कहता है कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ। मेड कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, ये बहुत ही अजीब लड़की है। वो उसके कान में कहता है चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर देखकर वो सभी लड़कियों को स्माइल करता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। लड़कियाँ जो होती हैं फ्लैट हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जिंसी प्लीज़ आप अंदर आइए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मामा सोचती हैं कि लड़कियाँ कितनी अजीब हैं, वो इतनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा उसके रूम के अंदर होती है लिहाओ के पास। वो जो है लिहाओ के पास जाकर उसे चेक करने लग जाती है। वो देखती है कि जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही ये ख़राब हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खिलाने लग जाती है, तभी वो देखती है कि उनके फेस पर एक पाउडर लगा हुआ है, वही पाउडर होता है जो उसने मना किया था किसी की बॉडी पर लगाने के लिए। फिर वो जो है एक लड़की के पास जाती है और कहती है
क्या तुम लिहाओ का मेकअप करती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं लिहाओ का ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि लिहाओ जो है रानी है, तो उन्हें जो है बहुत ही खूबसूरत रहना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैंने ही उनका मेकअप किया है। ये सुनते ही यहाँ पर मामा को गुस्सा आ जाता है, वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम लोग जो हो एक इडियट हो, तुम्हें मैंने बताया था कि यहाँ पर पाउडर जो है वो किसी काम का नहीं है। वो जो है उस पाउडर को उठाकर उसकी बॉडी पर ही डाल देती है। वो कहती है कि इस पाउडर के अंदर जहर है जो बॉडी के ऊपर इन्फेक्ट करता है, इसी वजह से लेडी लिहाओ जो है अब तक बीमार हो रही है, तुम्हें ये समझ जाना चाहिए। और ये जो पनिशमेंट है वो भी मैं इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम जो हो तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में। मैंने तो पूरे ही यहाँ पर एम्पायर के अंदर सभी को बता दिया था, तुम्हारे दिमाग में ये घुसता क्यों नहीं है? यहाँ पर वो रोने लग जाती है, फिर यहाँ पर वो छोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जिंसी होता है वो सोचता है कि लड़कियाँ कितनी अजीब है, वो इतनी जल्दी चेंज हो जाती है। फिर यहाँ पर जो मामा है वो सोचती है कि क्या बोल रहा है ये। अब इंडिया में तुमने खिचड़ी तो सुना ही होगा, वही जो चावल और थोड़ा दाल और थोड़ा सा पानी डालकर उबाल के बनाया जाता है, जो मरीजों को दिया जाता है ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट कर पाए, वही खाना यहाँ पर लेडी लिहाओ को वो देती है। और फिर जाकर वो खिड़की खोलना स्टार्ट कर देती है, नौकरों से कहती है कि जाकर एक गर्म पानी और क्लोथ लेकर आओ, उसके बॉडी को वो वॉश करने लग जाती है। और फिर से वो बार बार उसे खाना खिलाने लग जाती है, बार बार उसे पानी पिलाने लग जाती है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन है वो उससे जल्दी से बाहर निकल जाएगा। इतना सब करके मामा जो होती है वो बहुत ज्यादा ही थक जाती है, फिर वो यहीं पर सोफे पर ही सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके कपड़े को भी साफ करती है, ये सारा काम वो खुद ही करती है, किसी और पे भरोसा नहीं करती, इसीलिए जिंसी उसके खाने के लिए कुछ लेकर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो शायद मोमोज होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंसी उसे बड़े ही स्माइल करके कहता है, क्या कुछ तुम्हें कुछ और चाहिए? फिर हम देखते हैं कि वो कहती है, मुझे जो है एक स्टीम बाथ चाहिए। फिर यहाँ पर वो लोग बनवाने लग जाते हैं स्टीम बाथ को। जो मामा होती है वो सोचती है कि जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए लिहाओ को ठीक करने के लिए, अब उसके बॉडी को वॉश भी करना जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहीं पर बैठी होती है, पर लेडी लिहाओ जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे मरने क्यों नहीं देती हो? मामा कहती है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम खाना बंद कर दो। तो यहाँ पर जो लेडी लिहाओ है वो सोचने लग जाती है, वो कहती है कि मैं जो हूँ अपने बच्चे के मरने के लिए, जब वो मर गया था इसी वजह से मैं दुखी हो गई थी, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ, बट मैं जो हूँ अब खाकर दोबारा से वो बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती। यानी कि लिहाओ जो है अपने बच्चे के मरने के बाद उसे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, इसी वजह से वो मरना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा जो होती है पानी को भी खुद ही गर्म करती है, उसके बाद वो लोग नहाने के लिए आ जाते हैं स्टीम बाथ लेने के लिए। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा नहाने के बाद वो खिलाना स्टार्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी नौकरानियों के साथ मिलकर उसके पूरे रूम के कपड़ों को साफ करती है ताकि कमरा जो है बिल्कुल हाइजीन रहे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वो लड़की होती है जिसने मेकअप किया था लिहाओ का, वो दोबारा आती है। वो कहती है कि मैंने जो हूँ अब दोबारा कभी भी मिस्टेक नहीं करूँगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब आप जाकर रेस्ट कर सकती हैं। मामा जो है यहाँ से चली जाती है। फिर लिहाओ उस नौकरानी को कहती है कि क्या तुम पानी दे सकती हो मुझे? उसकी आवाज़ सुनकर उसे रोना आ जाता है, मेड को। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि अब वो 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, उसे ठीक करते करते अब लिहाओ जो है खुद से चलने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब मामा सो रही होती है तो लेडी लिहाओ जो होती है उसके पास आकर उसके बालों को सहलाती है और वो उसके पास बैठी रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं मामा उठकर कहती है कि चलो मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ से चली जाऊंगी, आप ठीक हो गई हैं। यहाँ पर वो कहती है क्या मैं दोबारा बर्थ नहीं दे सकती हूँ अपने बच्चे को? वो कहती है कि आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। लेडी लिहाओ कहती है कि राजा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे फूल होते हैं, अब कौन सा फूल कितना सुंदर है ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना, वैसे मेरे जाने के बाद वो यहाँ पर विजिट करने आएंगे और साथ में ही उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ जो मामा होती है वो उसके कान में कुछ बताती है, वो बताती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा साइज का एडवांटेज है, उसका आप यूज़ कर सकती हैं
हैं और उन्हें अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो हो सकता है कि आप दोबारा बर्थ दे दें एक चाइल्ड को। और हम देखते हैं कि ऐसा करके वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जिन्सी उसे देख रहा होता है और कहता है, ये लड़की बहुत ज़्यादा बहादुर है, इसने ही सब कुछ काम किया है खुद से ही। अब सीन चेंज होता है, हम कुछ बंदों को देखते हैं, सैनिकों को, जो यहाँ पर आग जला कर वहाँ पर सेक रहे होते हैं अपने हाथों को। एक सैनिक जो है अंदर बैठा होता है और अपने हाथों को देख कर कहता है कि ये तो एक शराब है। अगर एपिसोड में देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये सैनिक जो होता है, इसके हाथों पर रेड रेड से निशान होते हैं। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अगले एपिसोड में पता चलेगा ये निशान क्या है। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।